नमस्कार दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टी ब्रेक तक भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका टीम की उड़ाई धज्जियां। के राहुल पहुंचे शतक के करीब। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कमर तोड़ डाली और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की। और फिर मयंक अग्रवाल ने 60 रनों की पारी खेलकर लुंगी एंगिडी के बॉल पर आउट हो गए। फिर क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए चेतेश्वर पुजारा उतरे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा भी आते ही पहली गेंद पर आउट हो गए और भारतीय टीम को 117 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था। क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान विराट कोहली केएल राहुल का साथ देने के लिए आए और टी ब्रेक तक दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 165 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। और वहीं ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल 72 रन के स्कोर पर क्रीज पर डटे हुए हैं और विराट कोहली भी 21 के स्कोर पर खेल रहे हैं। और वहीं साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से लुंगी एंगिडी अभी तक 2 विकेट चटका चुके हैं। अब देखना यह होगा कि लंच के बाद भारतीय टीम 250 रनों का आंकड़ा छू पाएगी या नहीं। हालांकि इस मैच में विराट कोहली की शानदार फॉर्म नजर आ रही है, क्योंकि विराट कोहली अभी तक क्रीज पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर विराट कोहली इस मैच में शतक जड़ते हैं तो भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।